दोस्तों, कोई भी आदमी खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट पसंद नहीं करता, और मुझे विश्वास है कि आप भी नहीं चाहते होंगे कि कभी आपका भी पर्स या बैंक अकाउंट खाली खाली सा रहे। लेकिन क्या आप जो चाहते हैं सब कुछ वैसा होता है? तो जवाब है नहीं। और सच तो ये है कि खाली बैंक अकाउंट और खाली पर्स की समस्या सिर्फ हमारे अकेले की नहीं है, बल्कि हम में से ज़्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट और पर्स हमेशा लगभग खाली खाली से ही रहते हैं। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों सालों से नौकरी करने के बावजूद हमारे बैंक अकाउंट में एक महीने की सैलरी के बराबर भी पैसा हमेशा मेंटेन नहीं हो पाता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं, जब तक कोई डॉक्टर किसी बीमारी के कारणों को सही तरह से नहीं समझ पाता है, तब तक वह उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। और ठीक उसी तरह खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट भी एक ऐसी बीमारी है कि जब तक हम इस बीमारी के सही कारणों को नहीं समझते, तब तक हम इस समस्या से बच नहीं पाएंगे। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट के 5 सबसे प्रमुख कारणों और उन कारणों से बचने के उपायों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट का सबसे पहला कारण है सिंगल इनकम सोर्स, यानी आमदनी का सिर्फ एक ही जरिया होना। दोस्तों, यकीन मानिए, कमाई का सिर्फ एक ही जरिया होना वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम में से ज़्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट और पर्स अक्सर खाली रहते हैं। और ऐसे में जब हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार इमरजेंसी के वक्त हमसे मदद मांगता है, तो हमें उसे अपना खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट दिखाना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि नौकरी के अलावा कमाई का एक और जरिया होना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में ज़रूर आपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफे का एक फेमस कोट ज़रूर सुना होगा, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम एंड मस्ट क्रिएट ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, जब तक हमारे पास कमाई का सिर्फ एक ही जरिया है, तब तक हमारे पास महीने की शुरुआत में पैसे आएंगे और महीने के अंत तक सारे पैसे खर्च होते रहेंगे, और इस कारण से हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट और पर्स खाली खाली सा ही रहे। लेकिन अगर आप वॉरेन बफे की सलाह मानते हैं और आमदनी का कोई दूसरा जरिया अपने लिए बनाते हैं, जैसे साइड बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब, निवेश, किराए का इनकम आदि, तो इस तरह जब आपके पास कम से कम 2 या 2 से अधिक इनकम आने लगेंगे, तो हो सकता है कि आप एक इनकम को ज़रूर अपने बैंक अकाउंट में रख पाएंगे, और इस तरह से पैसे बचाकर आप खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट की समस्या से निश्चित तौर से निपट पाएंगे। तो दोस्तों, आज के समय में हमारे पास सेकेंड इनकम सोर्स के क्या क्या विकल्प हैं, इसके बारे में डिटेल में कभी और आपसे ज़रूर बात करूंगा। फिलहाल आइए इस वीडियो में बात करते हैं खाली बैंक अकाउंट और खाली पर्स का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों, खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पैसे की रेगुलर बचत में अनुशासन की कमी। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन किसी भी फील्ड में सफलता का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, और पैसे के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। हम में से ज़्यादातर लोग जिनके बैंक अकाउंट और पर्स अक्सर खाली रहते हैं, उनमें अनुशासन की कमी के कारण वे पैसे की रेगुलर बचत नहीं कर पाते हैं, और जब तक कोई आदमी रेगुलर बचत करना शुरू नहीं करेगा, तब तक उसके आर्थिक हालात को बदल पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इनकम सोर्स हो भी जाए, लेकिन अगर आप बचत को लेकर रेगुलर नहीं हैं, अनुशासित नहीं हैं, तो फिर जैसा आपके साथ अब तक हुआ है वही सिलसिला आगे भी होता रहेगा, पैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो ऐसे में आप इस बात को जितना जल्दी समझ लें, उतना ही आपके आर्थिक हालात के लिए बेहतर है कि खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको रेगुलर और अनुशासित रूप से बचत जरूर करनी चाहिए। और चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी आमदनी से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अलग रखने के बाद बचे हुए 90% हिस्से से ही अपने सभी खर्चों को पूरा करना है। और आइए अब बात करते हैं खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट के तीसरे सबसे बड़े कारण के बारे में। और तीसरा कारण है अनियंत्रित खर्च, यानी खर्चों पर कंट्रोल नहीं होना। दोस्तों, खर्च के बारे में दुनिया के सबसे महानिवेशक वॉरेन बफे ने कहा है कि अगर आप वे चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो जल्द ही आपके पास उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि कई बार बाज़ार में जब सेल लगी होती है, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर जब सेल लगी होती है, तो हम डिस्काउंट के चक्कर में उन चीज़ों को भी खरीदते हैं जिन चीज़ों की हमें तुरंत ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप भी ऐसा करते हैं और बिना अपनी ज़रूरत अपनी इच्छा के बीच के अंतर को समझे बिना ही खर्च करते रहते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट और पर्स खाली ही रहेगा। इसके अलावा भी कई बार हम अपने खर्चों को लेकर गंभीर नहीं होते हैं, और हम जानते हैं कि खर्च करने के बाद मुश्किलें आएंगी, फिर भी हम महीने की शुरुआत में सैलरी मिलने पर खूब जमकर खर्च करते हैं, पार्टी सार्टी सब कुछ होता है, और फिर महीने के अंत तक
खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट हमारे टेंशन का कारण बन जाता है। और ऐसे में अगर आप अपने खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको गंभीरता से अपने खर्चों पर तुरंत कंट्रोल रखना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं खाली पर्स के चौथे बड़े कारण के बारे में। और चौथा बड़ा कारण है फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी। दोस्तों, कई बार कुछ इस तरह के अकस्मात अनप्लान खर्चे जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, और जब हम अपने बचत के पैसे को ना चाहते हुए भी खर्च कर देते हैं, और ये भी हो सकता है कि पैसे कम पड़ने पर गोल्ड लोन, पर्सनल लोन या किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है। और एक बार जब आप लोन की किस्त और कर चुकाना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बचत कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इससे हमारा पर्स और हमारा बैंक अकाउंट दोनों अक्सर खाली खाली सा रहने लगता है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब यह है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन जैसे मेडिकल खर्चे आदि के लिए पहले से तैयार रहना। इमरजेंसी के खर्चों से निपटने के साथ साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग हमें बताता है कि फ्यूचर में लगने वाले खर्चों के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है। वरना कहावत यह है कि आग लगने पर कुआं खोदने से क्या फायदा। और इसलिए बहुत ही पारंपरिक और महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आपको अपने परिवार और अपने खुद की फ्यूचर में लगने वाले किसी भी तरह के छोटे बड़े जरूरी खर्चों को पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग जरूर कर लेनी चाहिए। कभी कभी सोच समझ कर लिया गया एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिकल इंश्योरेंस भी हमें हॉस्पिटल में लगने वाले बड़े खर्चों के बोझ से बचा सकता है। और इसलिए अपने पर्स को मोटा, बैंक अकाउंट को खाली होने से बचाने, कर्ज के जाल से बचने और फ्यूचर में लगने वाले छोटे बड़े खर्चों को सही तरह से पूरा करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को नीचे दिए लिंक पर जाकर जरूर देखें। और आइए अब बात करते हैं खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट के पांचवें सबसे बड़े कारण के बारे में। और पांचवा कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी यानी आर्थिक शिक्षा का अभाव। दोस्तों, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम सभी को स्कूल और कॉलेज में इस बात की शिक्षा दी जाती है कि अच्छे ग्रेड लाओ और अच्छी नौकरी पाओ। यानी हमें पैसे के लिए काम करना तो सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है, और ये हमें खुद सीखना होता है। और अक्सर हम तब सीखते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है कि पैसा हमारे लिए किस तरह से काम कर सकता था। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, किस तरह से बचत की जाती है, कैसे निवेश बनाया जाता है, और कैसे एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदला जाता है, किस तरह बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करके इंश्योरेंस का फायदा लेकर किस तरह किसी इमरजेंसी से निपटा जाता है, और कैसे अपने सभी छोटे बड़े सपनों को पूरा किया जाता है, और कैसे आर्थिक आज़ादी पाई जाती है। और इस तरह फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी के कारण ही हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर बहुत लापरवाह होते हैं। जब पैसा होता है तो हम जम के खूब खर्च करते हैं, और पैसा नहीं होने पर हम पैसे की चिंता करते रहते हैं। तो दोस्तों, खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको लगातार अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करते रहना होगा, ताकि आप अपने पैसे को काम पर लगा सकें और आपका पैसा आपके लिए काम कर सके, ना कि आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहें। और आपके फाइनेंशियल एजुकेशन के सफ़र को आसान बनाना ही हमारे इस YouTube चैनल हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन और हमारी ब्लॉग वेबसाइट sharemarkethindi.com का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और आपको धन्यवाद बोल सकें। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।